हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं नेम आर्ट वाले वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको इस तरह के नेम आर्ट वीडियो का एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनवास्ट एप्लीकेशन और दो वीडियो का लिंक दे चुका हूं, सिंपल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल को होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इस तरह के वीडियो आप किस प्रकार एडिट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपल ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, इसे आपको 10 से 15 सेकेंड तक कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, राइट क्लिक कर देना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इसे ओपन करना है और इसे आपको इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है, इसे आपको कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने सेकेंड वीडियो का भी लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ। इसके बाद हम सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको देख सकते हैं छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जो आपका डिस्प्ले दिख रहा है डिस्प्ले की साइड में आपको एडजस्ट कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, इसे आपको सेंड टू बैक कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। तो मैं बैकग्राउंड को भी ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद फिर से हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। अब हम वीडियो देख सकते हैं, प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो सिंपल आपको करना क्या है, 5.8 या फिर 5.9 के आसपास आना है। लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे आप जिसका भी नाम टाइप करना चाह रहे कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर नेहा टाइप कर देता हूँ। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद इस टेक्स्ट को आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। कलर पर आना है, यहाँ पर आपको कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डबल ए पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट का फाउंट भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल जो भी फाउंट आपको पसंद आ रहा है यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा टेक्स्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद टेक्स्ट वाले लेयर पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन में आना है, हमें फेड कर देना है। इसके बाद आपको सारे वीडियो को मैं ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूँ और इसके बाद मैं आपको एक बार प्ले कर दिखाता हूँ फाइनली हमारा वीडियो किस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं फाइनली वीडियो हमने प्ले कर दिया हूँ तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको साउंड ऐड करना है। तो यहाँ पर जो भी टिकटॉक पर ट्रेंडिंग साउंड चल रहा है, सिंपल आपको उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और जिस वीडियो को आपने डाउनलोड किए थे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको साउंड ऐड करना है। मान लो कि मैंने एक वीडियो को डाउनलोड किया हूं, इसके बाद इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया हूं। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, इस ट्रैक आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी आइडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे हम डिलीट कर देंगे। सेटिंग पर क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो होता है हमारा स्लो हो जाता है, वो स्लो नहीं होगा। शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।